गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर रीडिंग अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन। टुडे वी विल स्टार्ट रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड? द इयर्स following 1789 in France are many such changes in the lives of men, women and children. The revolutionary government took it up themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. अब आपने देखा कि क्या राजनीति लोगों का पहनावा, बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है, यानी कि चेंज आ सकती है क्या जो पॉलिटिक्स है, कि ये इन चीजों में हमारी जो है द क्लोथ्स पीपल वियर, लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड, कहीं चेंज हो कर सकती है? अब आपने देखा होगा कि 1789 के बाद के सालों में फ्रांस के जो पुरुष थे, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए, सा मैनी सच चेंजेस। क्रांतिकारी जो रेवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी जो गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने कानून बना करके यानी कि कानून बना करके जो है स्वतंत्रता, फ्रीडम, लिबर्टी एंड लिबर्टी भी कह सकते हैं, लिबर्टी एंड इक्वेलिटी, समानता के आदर्शों को जो है रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया, अफर्ट किया, ठीक है। तो वन इंपॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बस्टाइल इन द समर ऑफ 1789 वाज द एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप। अब आपने देखा कि जब जो है हमने शुरू में ही पढ़ा था कि एक महत्वपूर्ण जब जो है बस्तील के विध्वंस के बाद, यानी कि जो बस्तील का जो है जब विध्वंस किया गया था, तो उसमें क्या था, इन समर गर्मियों में तो उसमें जो है मैं से जो सबसे महत्वपूर्ण कानून, जो सबसे महत्वपूर्ण कानून था, वो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो कानून अस्तित्व में आया, केम इनटू इफेक्ट, अस्तित्व में आना, प्रभावशाली होना, तो हुआ था सुन वह क्या था, वादा एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप, यानी कि सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन आपने देखा होगा कि इन द ओल्ड डिजाइन, जैसे पुरानी जो डिजाइन थी, ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, जैसे सभी रिटन मटेरियल और जो कल्चरल एक्टिविटीज थी, जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेस, कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म ओनली आफ्टर दे हैड being approved by the censor of the king। अब जो हमारी ओल्ड डिजाइन थी, यानी कि ओल्ड प्राचीन हमारा जो राजतंत्र था, उसमें जितना भी रिटन मटेरियल होता था या कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, कौन कौन सी, जैसे बुक्स है, न्यूज पेपर्स है, प्लेस है, कुड भी, ये पब्लिश तभी किए जाते थे जब उस पर राजा जो है सेंसर, जो राजा के अधिकारी थे या जो है या राजा के सेंसर अधिकारियों के द्वारा जो है जब क्या हो जाता था, राजा के जो सेंसर करने वाले जो अधिकारी थे उनके जो है परमिशन मिल जाती थी, अप्रूवल मिल जाता था, यानी कि नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, अब आपने देखा जब जो है व्यक्ति के अधिकारों और नागरिकों को
स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने का की स्वतंत्रता, एंड एक्सप्रेशन टू बी द नेचुरल राइट यानी कि जो हमें जो है स्वतंत्रता को यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि जो हमारी जो बोलने के लिए यानी कि जो स्पीच भाषण और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता को जो है क्या कर दिया, नरसैनिक अधिकार घोषित कर दिया। तो उससे क्या हुआ, न्यूज पेपर्स नेचुरल राइट जिनकी जन्म से प्राकृतिक अधिकार है, तो न्यूज पेपर्स पंपलेट्स बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। अब आपने देखा जैसे न्यूज पेपर थे, पंपलेट्स थे, तो और जो प्रिंटेड तस्वीरें थी, पिक्चर्स थी, उनकी बाढ़ आ गई। जैसे मान लो बहुत पिक्चर फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस यानी कि फ्रांस में यानी कि बाजार में जो है बहुत सारी जो है जैसे तस्वीरों की बाढ़ आ गई। जहां से फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल रैपिडली इनटू द कंट्री साइड, जिससे जो है वो पूरे देश गांव देहात तक पहुंच गई कंट्री साइड गांव देहात तक पहुंच गई। दे ऑल Described and discussed the events and changes taking place in France. अब आपने देखा, they all described and discussed. अब उसमें जो है कितनी भी घटनाएं घटित हुई एवं जो changes आए, परिवर्तन आए, उनका ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। Freedom of the press also meant that opposing view of events could be expressed. जैसे ही प्रेस की स्वतंत्रता हुई, तो प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। अब आपने मान लो कोई आइडिया से सहमत नहीं है, तो आप उसका जो है क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं, यानी कि फ्रीडम होगी थी प्रेस, आप यानी कि जैसे कोई भी ला था उसके अगेंस्ट भी बोल सकते थे। Each side sought to convince the other of its position through the medium of print, plays, songs, and festive processions attracted large numbers of people. अब आपने देखा कि प्रिंट का माध्यम कैसे जो है एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश करी, यानी कि एक पक्ष जो वन जो वन साइड जो है वो दूसरे व्यक्तियों को जो है या दूसरी विरोधी विचारों के जो या दृष्टिकोण के जो लोग थे उन्हें जो है कन्विंस करने की कोशिश की। किसके द्वारा, प्रिंट के द्वारा, प्लेस के द्वारा, सॉन्ग्स के द्वारा और फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्टेड, जो फेस्टिव यानी कि जैसे नाटक था, संगीत था और उत्सव जुलूसों में उससे जो है असंख्या जो लोग थे इनके द्वारा जो है वो एक दूसरे को जो है कन्विंस करने की कोशिश करने लगे। दिस वाज वन वे दैट कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज। अभी दिस वाज ये जो है क्या था, ये जो है स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिकों और दार्शनिकों के इनके दिस वाज वन वे एक तरीका था, दे कुड ग्रास्प जिसे वो जो है स्वीकार कर सके, आइडेंटिफाई और उसकी पहचान की जा सके, विद आइडिया सच है जैसे लिबर्टी और जस्टिस स्वतंत्रता और न्याय के लिए। दैट पॉलिटिकल फिलोसफर्स रोट अबाउट दैट लेंथ इन टेक्स्ट, जो कि जो पॉलिटिकल राजनीतिक फिलोसफर्स थे उन्होंने जो है टेक्स्ट में लिखा गया था, विच वर ओनली हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड। अब आपने देखा होगा कि जो यदि हम मान लो जो आइडियाज थे लिबर्टी और जस्टिस के जो कि राजनीतिक फिलोसफर्स के द्वारा लिखे गए थे, वो एक कुछ एजुकेटेड ही लोग पढ़ सकते थे, यानी कि वही पढ़ते थे, उन्हीं को पढ़ना सब लोग था। लेकिन आपने देखा इन्होंने क्या करा, जैसे प्लेस सॉन्ग्स और फेस्टिव प्रोसेशन के द्वारा जो है एक दूसरे के जो है विचारों को जो है पक्ष को जो है जानने
या सहमत कराने का दृष्टिकोण अपना है। नाउ कंक्लूजन, कंक्लूजन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एन एम्परर ऑफ फ्रांस। अब आपने देखा कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जो बोनापार्ट ने खुद को जो नेपोलियन ने क्या बना लिया, फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया एंड ही सेट अप सेट आउट टू द कन्वॉय नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज डिस्पोजिंग डेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम वेयर ही लेड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। अब इसने क्या करा कि अपने उसके पड़ोस के जो यूरोपीय यानी कि नेबरिंग जो यूरोप कंट्रीज थी उनमें विजय यात्रा शुरू कर दी, ठीक है, और जो पुराने राजवंशों को हटा करके उसने अपने परिवार के उसने नए साम्राज्य बनाया और उनकी जो बागडोर थी वो अपने खानदान के लोगों को के हाथ में दे दी। नेपोलियन सा हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। He introduced many such as the protection of private property and uniform. इसने जो है he introduced many laws जैसे protection of private property, प्राइवेट प्रॉपर्टी की सुरक्षा एंड यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ राइट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। अब जो है इसने साथ में जो है आपने देखा दशमलव पद्धति पर आधारित नॉर्थ पोल जो है उसकी भी एक प्रणाली चलाई। इनिशियली मैनी शॉप नेपोलियन एज ए डिक्रेटर who would bring freedom for the people. अब आपने देखा होगा शुरू में जो है initially means शुरू में सभी को लगा कि नेपोलियन जो है मुक्ति दाता लगता था यानी कि लिबरेटर लगता था, लेकिन but soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an individual invading force. लेकिन बाद में जल्दी ही जो उसकी सेवाएं थी यानी कि जल्दी ही उस जो नेपोलियन की सेवाएं सेनाएं थी उन्होंने लोगों को लोग सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे यानी कि ये हमला करने वाले हैं ये मानने लग गए। ही वाज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। अब जो है वो वाटरलू में जो है 1815 में जो है उसकी हार हो गई। मेनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरिड द रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी and modern laws measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to the other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. अब आपने देखा कि यूरोप के जो बाकी हिस्से थे मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने के लिए वाले उसकी जो क्रांतिकारी उपायों का जो असर हुआ वो उसकी मृत्यु के काफी बाद दिखने लगा। अब जो उसने जो रेवोल्यूशनरी आइडिया जो लिबर्टी और मॉडर्न लॉ जो उसने बनाए वो जो है काफी देर के बाद यानी कि जब उसकी मृत्यु होने के बाद किसकी नेपोलियन की मृत्यु होने के बाद जो है डेथ होने के काफी दिनों बाद जो है ये उसका असर जो है दिखने लगा। The ideas of liberty and democratic rights were most important. अब आपने देखा कि idea of liberty and democratic rights का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था French Revolution में। These spread from France to the rest of the Europe. अब ये France से जो है ये idea जो है बाकी वाले 19वीं शताब्दी के मध्य यूरोप के दूसरे देशों में भी शुरू पहुंच गए या फैल गए। And their feudal system, जहां पर भी जो है सामंती व्यवस्था थी feudal system का वो समाप्त कर दिया गया। But abolished and colonized peoples reworked the idea of freedom from the bondage into their movements to create a sovereign national states. अब अपना वैसे जो कॉलोनिया थी उन्होंने क्या है अपने आप को सॉवरन नेशनल स्टेट घोषित करना शुरू कर दिया या स्थापित कर दी। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय वर टू एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पोंडेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम द रेवोल्यूशनरी फ्रांस। अब हमारे देश में भी
टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में जो विचार विचारों जो वहां पर जो आइडियाज आए थे आइडियाज कमिंग यानी जो विचार वहां से जो उपजे थे उनसे प्रेरणा लेने वाले दो ठोस यानी कि दो सॉलिड एग्जांपल हैं। दैट्स ऑल अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी बाय या थ्रू टेलीफोन एंड डू एक्सरसाइज एंड लर्न इट। थैंक यू।